अभी सैलरी भी नहीं है, अभी मेरे को टिकट चाहिए, अभी मैं जाने का भी पैसे नहीं है, अभी 2 महीने से पगार भी नहीं दे रहा, अभी 2 महीने से काम पूरा बंद है, अभी रूम का खाना का तकलीफ हो रहा है। ये सर 2 महीना से बैठे हुए हैं जी, और खाने होने के लिए दिक्कत है। जॉब खलास हो गया है हमारा। दिस कोविड पैंडमिक सिचुएशन आई हैव लॉस्ट माय जॉब एंड शी इज नाउ 32 वीक प्रेग्नेंट, सो वी हैड लिटिल बिट ऑफ बैड टाइम टू गो बैक टू होम एंड दिस डिसीजन लाइक ड्यू टू हर हेल्थ सिचुएशन लाइक शी कैन नॉट गिव बर्थ in Dubai due to our financial crisis and our economic problem. Kindness is when you meet a stranger and yet you can't stop yourself helping them. One such kind soul is Dr. Dhananjay Datar, chairman of Al Adil Group, who has lent a helping hand to hundreds of Indians stranded in UAE by pledging tickets. मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि लोगों को बहुत लोगों को ज़रूरत है और बहुत बिलग रहे लोग अपने घर जाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को सैलरीज नहीं मिले 4 महीने से, या किसी को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, रहने के लिए अकोमोडेशन नहीं, क्योंकि रेंट दिया नहीं है अकोमोडेशन का, इसलिए उनको रूम के बाहर निकाला हुआ है। कोई लोग पार्क में रह रहे, और कोई फैमिलीज ऐसी कि जो प्रेग्नेंट है वो अपने घर नहीं जा सकते, किसी के घर में किसी का इंतकाल हो गया है तो उनको घर जाना है। तो हम लोग ने पूरे भारत के जितने भी स्टेट्स के लोग हैं उनको अपने अपने स्टेट में भेजना शुरू, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, गोवा है, अहमदाबाद है, उनके शुरू किया। अभी महाराष्ट्र में शुरू किया है। अभी हम महाराष्ट्रीयन फैमिलीज़ को हम जल्द से जल्द यहाँ भेजना चाहते। पहले जो थे, सबसे पहले जो प्रॉब्लम में थे वो लेबर्स थे, तो 186 लेबर्स को हमने भेज दिया है और अब फैमिलीज़ है जो फैमिलीज़ यहाँ से जा रही है। संवेदनशील धनंजय दातार ने खुद इस मुद्दे पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। भले ही हम विदेश में निवास करते हैं, लेकिन हम हमेशा देश और समाज के ऋणी हैं। और अब दूसरे समूह में 136 जरूरतमंद परिवार के सदस्यों और तत्काल कारणों से भारत लौटने वाले लोगों को एक विशेष एमिरेट्स फ्लाइट की व्यवस्था करके उनको स्वदेश लौटने के लिए मुफ्त टिकट प्रदान किए गए हैं। मेरा नाम कार्तिक है, कार्तिक गौड़ा, और मैं मुंबई से हूँ। बहुत खुश, बहुत, बिकॉज 5 महीना मम्मी को देखूंगा, बहन से मिलूंगा, दोस्तों से मिलूंगा। माय नेम इज़ गीतांजलि भटसावले, ओरिजिनली पुणे से हैं। मॉम एंड डैड, और बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक दे गॉट स्टक। इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू गो बैक बिकॉज ऑफ देयर माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स। और मिस्टर दातार की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, आई रियली डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर इट। Not just me but so many other passengers, you know, जिनके financial situations बहुत ज़्यादा difficult थी, उनके लिए तो this must be like a God-sent gift, and he himself is a God-sent person. So I think there's no words to express. I would just like to say thank you to him and to his team. Shubhada Gaikwad, मेरा नाम सागर गायकवाड़, नगर से, अहमदनगर। मैं विजिट वीज़ा पे आई हूँ शादी के जस्ट 2 महीने बाद, और मैं जैसे ही आई यहाँ पे तो यहाँ पे मतलब कोविड-19 की ये सिचुएशन आई और लॉकडाउन में हम लोग फंस गए कि टिकट मिला फाइनली इंडिया के लिए, फंस गए थे हम क्योंकि इनका वीज़ा भी ख़त्म हुआ, फाइन भी आने वाला था इससे पहले, तो टिकट भी नहीं मिल रहा था, फ्लाइट भी नहीं मिला था। यतीश, आई एम प्रॉपर फ्रॉम मुंबई विदाउट नोइंग एनी कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग, जस्ट नेशनैलिटी एंड दी ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड। तो इंसानियत के नाते पे जो हो सकता था उन्होंने मदद की। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई जेल से छूटा हुआ हो। मेरा नाम नीता है, मुंबई से हूँ। बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि फैमिली से मिलेंगे बिकॉज ऑफ यू ऑल आल आदिल टीम, क्योंकि सीरियसली अभी तो मतलब जितना सेविंग था वो भी हमारा ख़त्म हो गया। डॉक्टर दातार जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी I am very thankful. God bless him and Al Adil team. बहुत दुआ मिलेगी लोगों की, क्योंकि हमें पता है कि क्या तकलीफ़ होती है, जो हम फील कर रहे हैं, हमें अंदर से जो हो रहा है वो सब जो भी है जाने वाले सबकी सेम फीलिंग होगी। अल आदिल समूह और श्री धनंजय दातार सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा से ही तत्पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये काम इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। बहुत से लोगों को टिकट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी लोगों के जॉब्स गए हैं या जो वर्कर्स हैं जो फंस गए यहाँ पे आके, कुछों का जॉब गया, कुछ लोग विजिट वीज़ा पे आए, तो उन सबको वापस जाने के लिए टिकटों की भी ज़रूरत हो रही है। और मुझे खुशी है कि इस पूरे काम में धनंजय दातार जी जो हैं, जो अल आदिल को चलाते हैं, उन लोग वो दे रहे हैं। उन्होंने और भी कमिटमेंट किया हुआ है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों की जितनी ज़्यादा मदद की जा सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसोर्सेज के जरिए, कम्युनिटी के जरिए, वो हम लोग कर पाए। दुबई से कोझिकोड की एयर इंडिया फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनते ही संवेदनशील श्री धनंजय दातार ने कहा, मैं स्तब्ध हूँ। अचानक इस दुर्घटना की खबर सुनते ही श्री धनंजय दातार ने यथासंभव सहायता करने और उसी का एक भाग 20 लाख रुपए की राशि भारतीय दूतावास और एयर इंडिया की मदद से तुरंत उनके परिवार के सदस्यों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। और ये जो एयर इंडिया का जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है कोझिकोड में, इसके ये भी लोग दुबई से आ रहे थे और ये भी जॉबलेस थे, तो कोई किसी कोई विजिट वीजा पे आए थे या किसी को बहुत सारे उनको इसमें सैलरी मिली थी। तो मैंने सोचा कि अगर ये हादसा हुआ इनके फैमिली को कुछ तो भी मेरी तरफ से मदद होनी चाहिए, इसलिए मैंने 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया हुआ है और जल्दी ही रकम उनके रिलेटिव्स के खाते में जाके जमा हो जाएगी। और मेरे फादर भी इंडियन एयरफोर्स में थे और इस एयर इंडिया के पायलट भी एयरफोर्स में थे, तो मुझे मेरे पिता की याद आई और सभी लोगों को मैंने पैसा देने के लिए ऐलान किया और जल्दी इनको पैसा मिल जाएगा। श्री धनंजय दातार के संवेदनशील दृष्टिकोण और उस पर उन्होंने त्वरित अमल कर सभी सर्वसामान्य और जरूरतमंद लोगों की संपूर्ण मदद की है। उनका यह प्रयास सराहनीय है और सर्वत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। इन कठिन समय में हम सभी को मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, इसलिए इंडियंस के लिए फ्री एयर टिकट और कोविड-19 टेस्ट फ्री देने का फैसला अल आदिल ग्रुप ने किया है। हम कंसुलेट जनरल ऑफ दुबई और एयर इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जरूरतमंद इंडियंस को फ्री एयर टिकट्स दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सब कुछ जल्द ही सामान्य हो जाए। आप सभी से अनुरोध है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें।